वेलकम बैक टू आवर चैनल लखनी व्लॉग। और जैसा कि आप सबने डिमांड किया था, क्योंकि हु नोज नीतू बेटर आपने देखा और उसमें मैं जीता था, ये भी आप सबको पता है। देखते हैं कि मुझे कौन ज्यादा अच्छी तरह जानता है, अंकल मेरी माँ, लखन के पापा या मेरे पिताश्री। भाई जैसे गैस करो मुझे कौन अच्छी तरह जानता होगा। मुझे अंदर इनका जवाब पता है, क्योंकि एक इनमें से ऐसा है जिसे मेरी नस नस का पता है। अच्छा आप दोनों बताओ, आप दोनों में से कौन अच्छी तरह जानता है लखन को? दोनों ही अपने अपने को बोलेंगे। अरे वो तो अभी पता चलेगा, वो तो अभी 5 मिनट बाद पता चल जाएगा। अच्छा ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, लखन को सबसे अच्छा खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? आपको ऐसे नहीं बोलना, नमकीन। तो मुझे भी पता है। नहीं वो बोला है आपको, पहले ना ऐसे हाथ करना है, जो जो पहले बोलेगा फिर वो बोलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लखन को खाना बनाना थोड़ा सा भी आता है? नहीं लखन को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सांप से। हमने फिर ऐसे करा, चल आप ऐसे ही। नहीं नहीं लेकिन यार जो भी है, जो भी है वो सही आंसर बताया पापा पर करी। मुझे पता है तो आप बोलो ना। पूछो तो, लखन को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मुझसे। अरे यार गलत गलत ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये अच्छा है। देखो मैं आपको फ्रेंडली एक चीज बताता हूं कि अगर डर की बात होगी तो दुनिया जानती है कि मैं ज्यादा किससे डरता हूं। अगर मां-बाप की बात होगी तो मम्मी ज्यादा डरता हूं, क्योंकि अगर कोई बात होती है मेरे को लगता है पापा को कन्विंस करना ज्यादा आसान है। मगर पापा को पता, मेरे पापा थोड़े प्रैक्टिकल है ज्यादा, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत देखे। मेरी मम्मी कैसी ना, उनके मतलब जैसे होता है क्यूट सा दिमाग है और उतना ही चलता है उनका दिमाग ना, तो और ज्यादा एक माँ होती है ना, वो घरेलू चीजों को ना इमोशंस के साथ ज्यादा चीजों को जज करती है, लेकिन एक पिता जो होता है ना वो सच्चाई, हाँ वो सच्चा दुनिया को देखा हो तो प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो मैं पापा को कन्विंस कर सकता हूँ, लेकिन माँ तो थोड़ी बेवकूफ से जानती है, पिताजी सही बात। अरे कैसे बात ये मामे के नाम पे है गाइस, ये लड़की की बहुत इज्जत कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये नहीं होता। मैं बता रहा हूँ माँ के डिसीजन दिल से होते हैं, पिता के डिसीजन जो होते हैं ना हमारे लिए वो दिमाग से होते हैं, आगे तक की सोच के। आप दोनों आंटी के अगेंस्ट लग रहे हो बिल्कुल ही यार, अगेंस्ट की बात। ये तो अंडा लेके बैठे हो भाई यार, ये क्या बात है मुझे सबसे ज्यादा पसंद मर्सिडीज़। ये क्या बात है, हाँ तो वो तो है मेरे पास, मुझे भी फॉर्च्यूनर लेनी है। मतलब मुझे थोड़ी रफ एंड टफ अच्छी लगती है गाड़ी, क्योंकि मर्सिडीज़ को ना मैं हर जगह लेके नहीं जा सकता, क्योंकि थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है। फॉर्च्यूनर रफ एंड टफ लगती है। तो अभी तक का स्कोर 3 अंडा। आज क्या खाओगे? अंडा करी। अंडा करी क्या खाओगे? एग करी। एग करी जी, कभी भी कोई चीज हो, कंपटीशन कहीं भी कुछ हो, अपनी पत्नी को अगर घर को सही रखना है, सुखी रखना है और घर में शांति रखनी है तो पत्नी को जिताते रहना, घर में शांति रहेगी। तो अगर पत्नी को हरा दिया आपने तो घर में शांति नहीं क्रांति होगी। क्या बात है, पहले मैंने बचपन में गाना सुना था है ना, मैं तो उसी का अनुसरण करता हूँ, मतलब उसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा उस गाने को गाता हूँ, लेकिन मैं उससे काफी सीखा हूँ। वैसे पहले वो आता था पत्नी को क्या पसंद है ये देखो, मैं एक वो कहता था मैंने गाना सुना था कौन सी, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाले। देखो फैमिली जो है ना पूरी हमारी, जो कैमरे के उस तरफ हमारी फैमिली है, वो सब कमेंट्स में वाह वाह लिख रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, लखन को सबसे ज्यादा क्या गंदा लगता है, दारू या सिगरेट? दोनों। एक सबसे ज्यादा गंदा लगता हो, सबसे ज्यादा सिगरेट।
सिगरेट या दारू आंटी के बारे में दारू अंकल ने मैं बताता हूँ इसमें पापा जीते हैं। मुझे सिगरेट ज़्यादा गंदी लगती है क्योंकि मैं तो पीता कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कोई इंसान अगर शराब पी के मेरे साथ है तो मुझे दिक्कत नहीं, कोई सिगरेट मेरे साथ पी रहा है तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, तो मुझे गंदी वो ज्यादा लगती है, मतलब वैसे दोनों नहीं पसंद। इसमें अंकल को एक पॉइंट मिल गया, पर मुझे पता है कि मैं जीतूंगा तो फिर मैं जीतने नहीं बोलता, मैं इनको ही देता हूं। ये टेक्निक नहीं चलेगी, ये कभी नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा, ये टेक्निक नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा, वैसे हमारी फैमिली थोड़ी कंफ्यूज हो रही है कि मैं पाई क्यों बोलता हूँ, तो मैं बताता हूँ। जैसे पापा होता है ना, पापा, तो हम उसको प्यार से हम पाई बोलते हैं, मतलब पापा और भाई का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन्होंने जो रोल निभाया है ना वो एक बड़े भाई की तरह है, मतलब ये हमारे दोस्त की तरह, मतलब कि मैं इनसे सब चीज़ शेयर कर सकूँ, तो ये बोलते हैं मुझे अपना भाई बोला कर, तो मैं दोनों का मिक्स बना लिया, पापा भाई पाई, तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि मैं पाई पाई बोलूँ, तो ये पाई है हमारे, भाई प्लस पापा। लोग भी कहते हैं ना मैं, मेरी एज ऐसी नहीं लगती कि मैं पापा या भाई जैसे लगता। आप समझ रहे हो ना, मेरा यूमर कहाँ से आया, वो यहीं से आया, इन दोनों से। तो हम अगर मेरी फैमिली को आप एडमायर करोगे, लेकिन आपने अगर इनका सरकैज़म सुन लिया, ऐसे ऐसे पॉइंट मारते हैं ना ये, जो आप वीडियोस में अक्सर देखते हो, तारीफें करते हो कि मेरा यूमर बहुत अच्छा है, वो सब यहाँ की देन है सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लखन का बचपन में फेवरेट कार्टून कौन सा था? तुम नहीं बोलोगे, मैं दोनों को बोल दो। मम्मी बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि बचपन में जब ये छोटे थे ना, उस समय मैं जनरली बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता था। थॉमस ऑन फ्रेंड मैं देखता था। अरे थॉमस एंड फ्रेंड ट्रेन चलती है, ऐसी बात नहीं है, समझ रहा था पूरे टाइम चप्पल रखे मेरे पीछे, पता है क्या। बहुत बढ़िया। तो अभी तक का स्कोर 4-1। जिताना भी चाह तब भी नहीं जीतूंगा, इसका जीतने का मतलब है लखन का जूते का साइज क्या है? 8 क्या दिक्कत है यार आपकी यार। अच्छा एक चीज और इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी बता दूं। यार मैं तो इसके लिए सूट बहुत सारे लाता हूं, लाते हैं साइज ही नहीं पता, फिर मैं लाता हूं सही साइज का लाता हूं। अच्छा गाइस आपको मैं बता दूं, मेरे को एक चीज जो नहीं पसंद वो दोनों बताएंगे एक साथ। क्या चीज नहीं पसंद मुझे करना जो आप करते हो मेरे लिए? शॉपिंग मुझे नहीं पसंद, शॉपिंग पसंद नहीं है। हां तो ये मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों मेरा ख्याल रखते हैं इस चीज का, और ये मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद के लेके आते रहते, तो इसीलिए मेरे को मेरे कपड़ों का साइज नहीं पता। फ्रेंकली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे को टी शर्ट पता है मीडियम नंबर की आती है, मेरे को अपने जींस का साइज नहीं पता, मेरे को जूते का साइज पता है ऑब्वियसली बात है, लेकिन इनको सब मेरे बारे में पता है क्योंकि यही सब कुछ खाते हैं। तो यह जो आप देख रहे हो ना, मैं ड्रेसिंग सेंस भी नहीं, मैं कहीं भी लोअर पहन के चल देता हूँ, तो ये मेक श्योर करते हैं कि मैं ठीक जा रहा हूँ। अगर अच्छा मैं कहीं घर से बाहर होता तो वीडियो कॉल पर मुझसे पूछा जाता है कि किस तरीके से दिख रहे हो आज, कहीं जा रहे हो, कितने उठा के चले चल रही है ऐसे, क्योंकि इनको भरोसा है मैं कहीं भी जा सकता हूँ, निर्मोही। तुमने एक मिनट, मेरे को शक हो रहा है, जब पापा अंदर तैयार हो रहे थे मैं वीडियो बना रहा था, ये सारे क्वेश्चन बता के आई है मम्मी को। मेरे को पता ही नहीं, नहीं झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं पता है, मैं एक क्या सेंस बोल रहा है, क्योंकि दोनों बाहर थे, मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा, तुमने शर्म नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहे हो, ये तो गलत बात है, गलत एकदम गलत। चलो यार भगवान से डरो, ये वीडियो भगवान भी देखेंगे। जैसे वो पाई है, ये है भम्मू, आपने देखे पहले इनका एक और, इनका नंबर मेरे फोन में सेव है गब्बर नाम से, इनका पाई नाम से सेव है, और इनको बुलाते हैं भम्मू, क्योंकि ये जैसे आपने डोरेमोन में जियान देखा होगा ना, बदमाशी करता रहता है पूरे दिन घर में, इधर से उधर, ए क्या हो रहा है, ये रही हमारी घर की जियान गब्बर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लखन खनाटे लेता है सोते वक्त? नहीं, गुड बॉय, सबका ख्याल रखता हूँ मैं, सोते में भी ख्याल रखता हूँ कि मेरे आजू बाजू वाले भाई बोल लेते हैं, भाई बोल लेते हैं, कितने कराटे लेते हैं ना, मुझे बोल ये बात। अच्छा लखन को एक सैंडविच खाने में कितना मिनट लगता है? अरे टाइम ही टाइम, कोई अनलिमिटेड खाना तो इतना धीरे धीरे खाता है, मैं इसको कभी मेरे, मैं इसको बहुत 32 बार चबा चबा के, 32 बार, कम से कम मैं इसको आज तक
इस वादे को कम से कम 10 बार हटा चुका हूँ। ये बहुत धीरे धीरे नहीं, नहीं। मुझे तो इसका गुस्सा आता है। खाना बहुत धीरे खाता है। सबका अलग अलग सिस्टम है। आप लोग जल्दी खा जाते हो, आपको गॉड गिफ्ट है, मैं नहीं खा पाता, इसमें क्या बात हुई? सीख गलत बात है, कोई सीखने की चीज है। मैं कहीं कॉम्पिटिशन में जाऊंगा क्या? कॉन्टेस्ट खाना खा रहे हैं। अरे जिंदगी में केवल खाना खाने में अगर इतना टाइम लगाओगे तो लाइफ में बहुत कुछ करना है। अरे ये तो ब्लॉग गॉन रॉन्ग हो गया, ये तो कहीं और टॉपिक चला गया। थोड़ी बहुत देर मेरी पढ़ाई पे चला गया, मुझे भी चला गया। बाय बाय, मैं जा रहा हूं। गाइस लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, तो अब ये लखन पूछेगा। क्या पूछने जाते हो? ओके, तैयार होना चाहिए। तैयार हो जाओ आप लोग, बिल्कुल रेडी रेडी। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। नहीं 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 नहीं, करीना कपूर। करीना कपूर। अरे आप मत खेलो यार, ये मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं यार। यहाँ मैं जिता रहा हूँ। घर को चलाने का नियम सुनो, मैं केवल ये जानता हूँ घर को शांति पूर्वक कैसे चलाया जाता है, घर पत्नी को कैसे खुश रखा जाता है। जिस आदमी के अंदर अगर ये गुण है तो समझ लीजिए दुनिया का सबसे अच्छा गुण यही है, जो अपने घर में घर को सही तरह से चलाए, पत्नी को खुश रखे, इससे अच्छा कोई गुण नहीं है। तो वैसे भी ये जब लोग अपनी हार दिख जाती है ना तो ऐसे ड्रामे करते हैं कि हम तो खेल ही नहीं रहे थे। हाँ। मैं तो पहले गिव अप कर दिया था। अंकल ने बहुत चीटिंग कर दी, बहुत। अब मैं पूछता हूँ, चलो मेरे 10th के मार्क्स कितने थे, है किसी को याद? अराउंड 85 to 90। नहीं ऐसे नहीं, पूरा एग्जैक्ट बताना है कितने थे। 10th में मम्मी कितने थे मेरे? इसके थे 78। ओए यार 78 सच में? हां 78 थे ना। वाह यार, वाह अंकल। अच्छा ये गलत नहीं कह रहे, इनको पर ज्यादा ही बताए होंगे। नंबर कम आए लेकिन आया नंबर तो। हां सब कुछ बताई गुजरा आंटी को। वाह यार, मैं आपको देखो 70 भी ए देखो। एक क्वेश्चन आप पूछ लो अंकल। अब अंकल इनका इसका आंसर भी दोनों दे देंगे। चलो आप बताओ मेरे को मम्मी और पापा में से किसके पास सोना ज्यादा पसंद है? मम्मी। अंकल आराम से बोल रहे मम्मी के। उनको पता है ये बहुत दम खाती है बात में ना। अच्छा मैं तेरे पास सोने आता हूँ, सुलाती नहीं करता। जाए ऐसे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लो। इसको इसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा होगा, इससे ऐसे गालियाँ कौन देता है? अरे यार गलत, इसकी पिटाई मम्मी करती है। मेरी पिटाई पापा नहीं करते, मेरी पिटाई जब होती है वो इनके कर कमलों द्वारा इनसे होती है। अब बता दिया ना, बता दिया ये पीटती है मेरे को। पूछते के पूछते दोनों ही है यार, मतलब कुछ भी गलती होती है। देखो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ये चल रही है पहले से पहले। आंटी बोर हो गई। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर खत्म। और हाँ अपने ऑडियंस को बोलो कि अगर उन्हें पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घर को सुखी संपन्न शांति पूर्वक बनाना। तो जो मेरी जो तरीका जो मेरी जो इनकी मॉडल ऑफ जो मेरा तरीका है उसको अपना रहे, पत्नी को जिताते रहे, घर में शांति बनाए रखें। अगर जवाब जीतते जाए तो ये बात बोलिए। आओ एक ग्रुप फोटो, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसको। आओ इधर आओ इधर आओ। विनर विनर कौन है? प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन विनर है। अंकल या आंटी सबको बताएं कि आंटी अंकल ने तो कुछ आंसर ही नहीं दिया, तो मगर तब भी आप प्लीज कमेंट करके बताना। ये मार रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना और आपको कैसा लगा ये भी बताना। और कुछ बोलना चाहते हैं? बाय बाय।